हेलो, मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में आपको जो है शॉर्ट नोट के फॉर्म में जो है बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ये शॉर्ट नोट में अगर आएगा तो आपके एग्जाम में बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट वालों के वो शॉर्ट नोट में आएगा, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ग्रिफिथ ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में, उस टाइम 20th सेंचुरी चल रही थी। इन्होंने जो है जो निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, या बैक्टीरियल जो स्ट्रेन है जो कि निमोनिया कॉज करते हैं और जो नहीं कॉज करते हैं, उसमें डिफरेंस पता लगाने की जो है कोशिश की थी, किस वजह से जो है वो निमोनिया कॉज होता है। इन्होंने क्या किया ग्रिफिथ ने कि दो स्ट्रेन को जो है लिया, एक थर्ड यस टाइप का था और सेकेंड आर टाइप का था। जो बैक्टीरिया निमोनिया को कॉज कर रहे थे, जो बैक्टीरियल स्ट्रेन, उनके ऊपर एक कैप्सूल पाई जा रही थी, स्मूथ वाल थी जो कि, और जो बैक्टीरिया स्ट्रेन जो है जो निमोनिया कॉज नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर जो है वो रफ कह सकते हैं लेयरिंग थी, उनके ऊपर कोई भी कैप्सूल नहीं पाया जा रहा था। देखिए थर्ड एस में जो है, एस का मतलब है स्मूथ वाल, थ्री लेयर्स, मॉर्फोलॉजी इनकी स्मूथ थी क्योंकि कैप्सूल की वजह से कैप्सूल उसमें प्रेजेंट रहता था। लेकिन वह जो थे वायरलेंस थे, वायरलेंस का मतलब यह है कि वो जो है बैक्टीरिया जो है निमोनिया को जो है कॉज कर रहे थे, वायरलेंस। और जबकि बात करें सेकेंड आर टाइप स्ट्रेन की, उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वो रफ टाइप थे, उनमें कैप्सूल एब्सेंट रहते थे और वो बैक्टीरिया को, वो बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है निमोनिया को जो है कॉज नहीं कर रहे थे, तो वो ए वायरलेंस टाइप के थे। अब ग्रिफिथ ने जो है एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर, इन्होंने जो है दोनों टाइप के जो है स्ट्रेन थे वो माइस में इंजेक्ट किए। जैसे कि जब टाइप थर्ड यस स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन को जब इन्होंने जो है वो माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो क्या देखा कि माइस जो है वो डेड कर गया। फिर इन्होंने क्या किया कि सेकेंड आर टाइप बैक्टीरियल स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया और वहां पर देखा कि इन्होंने जो है माइस लाइव है। यानी कि जो स्मूथ वाल्ड स्ट्रेन था, जो थर्ड यस टाइप का, वो बैक्टीरिया को, वो माइस को जो है किल कर रहा था क्योंकि वह जो है वायरलेंस कैरेक्टर्स में पाए जा रहे थे, क्योंकि वो निमोनिया को कॉज कर रहा था। जबकि सेकेंड आर टाइप का जो बैक्टीरियल स्ट्रेन था उसमें जो है उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वो रफ था और वो जो है माइस को किल नहीं कर रहा था, यानी कि वो जो है निमोनिया को कॉज नहीं कर पा रहा था। तब इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि टाइप थर्ड यस वाले को जो है हीट किल्ड कर दिया, यानी कि जो है उसको हीट से जो है मार दिया, टाइप थर्ड बैक्टीरियल स्ट्रेन था। अब उसे इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस जो था वो जिंदा था, यानी कि हीट किल्ड करने की वजह से जो है वो माइस जो है वो लाइव रहा। और नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड टाइप थर्ड यस बैक्टीरियल स्ट्रेन को जो है सेकेंड आर बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ मिक्स करके जो है दोनों को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तब इन्होंने पाया कि माइस जो है वो डेथ कर गया है। अब माइस डेथ कर गया है तो अब इनको जो है यह लगा कि कुछ ऐसा जो है कैरेक्टर है, या कह सकते हैं कुछ ऐसा फैक्टर है जो जो है टाइप थर्ड यस से जो है टाइप सेकेंड आर में आ गया और टाइप सेकेंड आर जो है वो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरियल स्ट्रेन में जो है कन्वर्ट होने की वजह से जो है ये माइस डेथ कर गया। अब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट तो वो यहीं तक जो है समाप्त हुआ था। उसके बाद इसको जो है फिर से रिवाइज किया गया था तीन साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था मैकलियोड, एवरी एंड एनसिकार्टी एक्सपेरिमेंट के नाम से जिनको जो है जाना जाता है। इन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से, मतलब जो है रिवाइज किया, दोबारा से करके जो है देखा कि वह क्या कैरेक्टर ऐसा था या क्या फैक्टर था जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हीट किल टाइप थर्ड एस और सेकेंड आर स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन के होने की वजह से ये बैक्टीरिया डाइट, तो ये माइस जो है डाइट क्यों कर गया। इन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट को जो है क्या किया कि एक्सट्रैक्ट लिया इन्होंने टाइप थर्ड हीट किल्ड टाइप थर्ड एस से जो है जो भी एक्सट्रैक्ट इनको प्राप्त हुआ
वो इन तीनों साइंटिस्ट ने लिया अपने एक्सपेरिमेंट और टाइप सेकेंड आर बैक्टीरियल स्ट्रिंग के साथ मिक्स किया और उसमें एंजाइम प्रोटीज का जो है वो ऐड किया, तो इन्होंने देखा कि माइस जो है वो डेड कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर जो है टाइप थर्ड एस हीट किल से टाइप सेकेंड आर बैक्टीरियल स्ट्रेन में जो ट्रांसफर हो रहा था वो प्रोटीन तो नहीं था, तभी ना माइस डाइड हो रहा है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक्सट्रैक्ट लिया इन्होंने टाइप थर्ड एस स्ट्रेन का, एक्सट्रैक्ट का मतलब निचोड़, और टाइप सेकेंड आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और एंजाइम आरएनएज का इस्तेमाल किया, फिर भी माइस डाइड कर गया। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस था या एलिमेंट था वो आरएनए तो नहीं था, ना डीए ना प्रोटीन था ना आरएनए था, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीज का और आरएनए को ब्रेक करने के लिए आरएनए एंजाइम का कर रहे हैं। एंजाइम जो भी होंगे उनके मोस्टली जो है लास्ट में जो है एस लगा होता है, एएस। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया इन तीनों साइंटिस्ट ने कि एक्सट्रैक्ट लिया टाइप थर्ड यस हीट किल टाइप थर्ड एस स्ट्रेन का और प्लस टाइप सेकेंड आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और एंजाइम डीएनए का यहाँ पर इस्तेमाल किया, तब इन्होंने पाया कि माइस जो है वो जीवित रहा। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट था वो ना तो जो है प्रोटीन था ना आरएनए था, वो केवल और केवल डीएनए था। तो इन साइंटिस्ट ने तीनों ने जो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया था और कंक्लूड किया, यह जो है इनका निष्कर्ष आया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था यहाँ पर वो ना तो जो है वो प्योर डीएनए था, ना ही प्रोटीन था और ना ही आरएनए था। आशा करते हैं कि ये ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से याद समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।